अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारी मम्मी बनाने जा रही हैं कद्दू के फूल की सब्ज़ी। अगर आपका मन कुछ यूनिक खाने का कर रहा है और आप रोज़ एक जैसी सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार इस सब्ज़ी को बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में काफ़ी आसान भी। तो कद्दू के फूल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कद्दू के फूल लिए हैं, इनकी डंडी को हम निकाल लेंगे। और इनकी डंडियां निकालने के बाद हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसमें हम 4 टेबलस्पून चावल का पेस्ट ऐड करेंगे। आपको चावल को मिक्सी में डाल के थोड़ा दरदरा पीस लेना है। आपको इसमें चावल का आटा नहीं, चावल का पेस्ट ऐड करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में तेल लिया है और इस तेल को हमने गरम कर लिया है। और यहाँ पे अब हमने फूल लिए हैं, इन फूलों को हम पेस्ट में डालेंगे और अच्छे से कोट करके फ्राई कर लेंगे। और ये थोड़ी सी देर में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे फ्राई हो जाते हैं। अब आप इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। अब उसी तेल में यहाँ पे हमने थोड़ी सी मेथी ऐड करी। अब मेथी के बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस ग्रेवी को काफी अच्छे से भूनेंगे जब तक इसके मसाले तेल ना छोड़ दें।
और जब ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें जो फूल हैं उन्हें ऐड करेंगे। एक दो बार चलाने के बाद अब हम इन मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे। दो मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाइए, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। और इसमें आप गार्निशिंग के लिए हरी धनिया डालिए और अब ये सर्व किए जाने के लिए रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।